जय माता दी। दोस्तों आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष व चैत्र नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों जिस तरह की काफी दिनों से दिख रहे हम लोग देख पा रहे हैं कि आप लोग यार वीडियो में उतना प्यार नहीं दे रहे, कारण क्या है यार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे नहीं तो हमें पता क्या चलेगा कि कारण क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखिए आगे और कमेंट्स करके बताइए हमें कि क्या कारण है और वीडियो कैसी लगी। नवरात्रि के दिन में भी सुबह जल्दी उठो, काम करो, नहाओ धो, पूजा पाठ तो उपास है राक्षस लोगों के लिए। घर अच्छा रहे तो ये अच्छा रहे तो वो अच्छा रहे, बस इन्हीं लोगों के लिए करते रहो। अरे गोटा लागी लाल चुनरिया, अरे मोरी मैया लाल चुनरिया, अरे बिंदिया भिलाई माई तोर लाने लाए चुनरिया तोर लाने तोर लाने मैया तोर लाने लाए चुनरिया तोर लाने। क्यों राक्षस ये जी सुनाई उन्हें नहीं देता तुमको क्या? अरे साल भर में ऐसा त्योहार आता है, कम से कम जल्दी उठ उठ के नहा लिया करो ना। तुम्हारा तरफ बोल बोल के भी दिमाग खराब होता है। हाँ कम से कम ऐसे दिन में तो पूजा पाठ कर लिया करो, जल्दी नहा धो के कमाई तो देखते रहूं बस। मन तो ए जी क्या है वो? ना फटने वा। कैसे? राम राम के दिमाग खराब करती। राम 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 करो, राम राम के वक्त तो जल्दी उठ के नहाते हैं। हैं? भगवान भी कहता हो कैसे कैसे राक्षस है यहाँ ये घर में। हाँ। अरे तू तो सबके बाटे का कर लेती ना उपास। अच्छा हाँ मैं अकेले करूँ बस, हो गया मेरा जान नहीं है। आई मैं सोचते रहूं सबके लिए। उपास रहना ना, अभी दिन भर क्या करूंगा, खाना तो है नहीं, तो आराम से नहाऊंगा ना यार। अच्छा हे भगवान, हर दिन की पेड़ कहानी लगा देती। तुम ऐसे राक्षस जैसे मत रहा करो, बता रही हूँ आज के दिन तो कम से कम मेरे को मत चिल्लाओ। चिल्लाते चलाऊं कि हर दिन तुम्हारे पीछे मैं उपास हूँ, पाप लगेगा तुमको बता रही हूँ, इसीलिए तो नहीं मार सकता अभी मैं। जाके नहा दो ना जी। अरे कर लेंगे ना यार, डेंग 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 लगा के रखी है। साल भर में ऐसा त्योहार आता है, आए बार बार आता है, एक बात बताओ तुम तो कई कई दिन तक नहीं नहाते, फिर हफ्ता हफ्ता बाद में कम से कम अभी तो। और से बताना, मोहल्ले वाले भी सुनेंगे नहीं नहाता करके। लो ना ब्रो कहीं की सही में तुम देखो नहीं नहाते, हफ्ता हफ्ता मैं किसी को नहीं बताती, लेकिन अभी तो नहा लिया करो जी यार दिन जी। तो नहाऊंगा ना यार अभी यार, तो जल्दी नहाओ ना जी, साथ में पूजा पाठ करेंगे कहती हूँ तो लेट ही छूटते हो तुम हमेशा। पारी आई वैसा पूजा पाठ करो भाई। अरे अभी सात ही तो बजे। अरे बाप सात नहीं ग्यारह बज गए तो दिन किधर चढ़ा हो? हे भगवान, ये आदमी को दिन किधर चढ़ता है? तेरे को उठाना तो चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। अरे कितना हुद्दा दूं, अब लात मार के उठाने से रही मैं। मारेगी बांगो, साढ़े चार बजे उठाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त रहता है। तो कितना हुद्दा तो मारती हूँ, उठो जी उठो जी उठो जी, पूरे ऐसे ऐसे हिल रहे हो लेकिन उठते नहीं तुम। रात्रि भर काम धंधे तू देख रही, कुछ नहीं करता आदमी, उपास रहता है। खेती बाड़ी के भी काम बाबू ने कह दिया है नवरात्रि के बाद करना रहे। तो ऐसा बोला पास आपास रहते हो, कहीं खेत बाड़ी में चक्कर आई, गिर गए, पड़ गए, फुकट हॉस्पिटल की हो जाएगी। अच्छा अरे तो ठीक है ना, काम धंधा नहीं कर। भाभी भूख लगेगा, थोड़ी चाय बना दे भला। अच्छा कितने बार चाय पिएगा रे? अरे पीले बना देना गा, भूख लग गई, उपास है आदमी आज। ये कितने समय उठ गया था तू? ओ चीपड़ लटका है देख वहाँ। नहाते समय अभी बाद में आया है, आँख आई थी मेरी। आए सही में नहाया है कि नहीं तू? नहाया होगा, बाल गीले हैं देख वाला, ये अभी खेल के खेले गए थे हम। उपास है आज रे? होगा तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मात्र 70 रुपए के फलाहारी चिवड़ा खाया था बस। अच्छा क्या बता? 5-5 वाले हो, और वो भाभी ने पूजा के लिए केले लाई है ना, 6 ठन केले तो खाया ही था। अगे माँ केला निकाल लिया तूने? 6 ठन खाया था, चिल्लाए मत। और अभी अगर चाय बनाती ना, अच्छा छठवीं बार चाय रहती मजगा, बाकी मैं नहीं हूँ, अब मैं उपास हूँ। अच्छा। उस हिसाब से तो मैंने पानी पीना गलत कर लिया, मैंने तो मेरा तो पेट ही भर गया। तुम्हारे लिए भात ए सुन रहे, उपास उपास मत रहो रे तुम रे, तुम्हारे लिए भात साग बना रही भाऊ, खा लेना और चुप्पी सो जाना तुम। कोई काम के नहीं हो तुम। टमाटर की चटनी पीसना इनके लिए।
सब्जी वब्जी मत पका रहे अभी। तुम काहे के लिए बता रहे हो तो चटनी पीसना, तुम्हारा भी मन कर रहा होगा खाने को। बात नहीं खाता मैं। अरे मेरा मन नहीं करता वो, ऐसा मैं अघारी नहीं हूँ। तूने कहाँ से पैसा देला ला लिया रे है? और कहाँ का खा रहा है तू? जुगाड़ के बाबू के कुर्ते से निकाल लिया था मैं। और वो चिल्लाएगा मेरे को, इसी ने लाया होगा सबके लिए कह के। तो काहे के लिए पहले चोरता है तो? हर बार तू चोरता है तो तेरे ऊपर नाम आएगा ना। अच्छा तुम उपास नहीं हो दोनों का? कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है तेरे को, कैसे लग रहा है हम तेरे को? पूजा बस की है और टीका लगाई है, ज्यादा ध्यान मत दे। तो कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ? पूजा और टीका तो होता है बे, भूखे भी रहना पड़ता है हमारे जैसे, क्यों रहे? तो वो पूरी निर्जला उपास है रे, पानी का बूंद तक नहीं है पेट के अंदर। इतना झूठ मत बोल, आज ही नहीं है ना जी। मेरे मुंह से निर्जला निकल गया इसका मतलब ये नहीं कि अब तू पानी पी है, चाय भी बना के पी है। मैं सब सुबह उठा नहीं था तो गंजी कैसी धड़का, अपने आप धड़खड़ रही थी क्या? इतना झूठ मत बोलो। ये था वो, ये नहीं थी? अच्छा ये नहीं थी? होगा ये था। अच्छा तू तो रात में लिस्ट बनवा रही थी ना मेरे से? हाँ सामान के तो बनवा रही थी ना। उपास है तो कहाँ लगेगा तेरे को वो सामान? हाँ, क्यों नहीं बता भाभी कौन कौन सा ला देना का? उपास है तेरे को पाप पड़ेगा, नहीं लाया तो ले। और सुनना, एक आध किलो सेब करवा देगा, तेरे को मालूम है मैं भूखा नहीं रह सकता ज्यादा देर तक। ऐसे तो तूने मैं इतना इतना खाता ही हूँ मैं दिन में। अच्छा इतना खाता है? अगर एक सेब मेरे को दिन भर चल जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा। 70 रुपए का खाया हूँ कहता है, मात्र 70 रुपए का। एक नहीं बोलने देते मेरे को। हाँ नहीं मेरे को खिसिया जैसा लगने लगा तुम्हारे लिए। मत रहो तुम उपास, मत रहो। एक काम करते हैं, सुन मैं मुकने उपास रहता हूँ, मैं एक तरफ चले जाता हूँ, आज किसी से मैं बोलने का चला। अरे इसका सामान ला देना का। अरे तुम जैसे भी उपास रहो लेकिन कम से कम दादा नहा धो लो, हाथ पांव अच्छा रच रच घिस लो, आए पूजा पाठ कर लो और बैठो ना तुम कहीं भी। हम ना सुन तो आलू डाल के साबुदाने की खिचड़ी बना लेना, आधा किलो साबुदाना डाल लेना का। बस बस अब इतना खा लिया हूँ साबुदाने को, थोड़ा सा खाई लेंगे उपास में ना, दस्तूर का रायता ये खाने और थोड़ा पानी पी लूंगा। अच्छा तुम का मजाक उड़ा रहे हो क्या उपास करे? नहीं मैं नहीं उड़ा रहा हूँ, ये उड़ा रहा है ये। नहीं मजाक उड़ा रहे हो क्या? नहीं भगवान के मामले में कभी मजाक नहीं उड़ा। तो क्यों खा रहा है पेट भर भर के तू? कहाँ खाया हूँगा, जर्रा सा तो खाया हूँ ना। 70 रुपए कोई मायने रखते हैं क्या? अरे अच्छा खा लिया मेरे बाप, तू भात भी खा ले समझ रहा है, पर उपास मत रहे। उपास मतलब उपास, उपास के दिन कुछ नहीं खाता मैं। तू एक काम कर, ये 3 टुला अंगूर खाए के लिए बचा आ कर तू। ला खाने पीने में कभी मना नहीं करता, ला खिला अंगूर है तो फिर ये ले। पागल बेटा क्या क्या देता है? अरे पागल है क्या, अंगूर है वो, लेके लागा अंगूर है। लेके ला नहीं उठा के ला बोल रहे बांगा। उठा के लेके आ, सबके दिमाग कमजोर, तुम बोलते क्यों नहीं ये? ओह नो उपासू ना का बोला का तू कुछ तो बोल का। उपासू उपासू बाले जैसे हरकत करते, सही में बता रही हूँ। एक बार बोल देता ना मेरे को कि भाभी मेरे को भूख लगेगी ज्यादा तो मैं, मेरे से नहीं बनेगा उपास, मेरे को झेलते नहीं बनता माता का भार। उपास रह लेता मैं 8 दिन, उपास रह लूंगा, खाने पीने मिलना चाहिए बस, वैसा कुछ मैं कुछ खाता तो हूँ ही नहीं तेरे को मालूम है। हाँ तो नहीं खाता इसलिए भात खा ले ये बोल रही, तुम बोलो ना जी भात खा ले ये बोल रही हूँ मैं तेरे को, समझ रहा है तू? नहीं नहीं अभी अरे नहीं खाता, कोई मतलब नहीं है भाऊ। तू क्या किया है भैया सुबह से? हाँ तू खा ले ऐसा बोल रहा है, देख ढोर बैलों का किया हूँ भाभी मैंने, ढोर बैलों का किया हूँ, नहाने जा रहा था उपास हूँ। अच्छा एक गिलास पानी पी लिया उपास हूँ मैं। 11 बज गए भैया, 12-1 बजे तक पूजा कर लेना है। हाँ कहेगा भी एक भी कनपट में उठा के बता रही हूँ। सुबह से काम धंधा जल्दी से निपटा के करना, तुम बोलो ना जी कुछ जी। वो भेजा चिल्ला रही, देखना का बोलना कुछ उसको। हाँ देख वो हाँ। बोल रहा है भैया, बोल रहा है चाय बना के हमको दे। ओह नो क्यों तंबाकू दबाया क्या का? नहीं बे वो कुछ बोल रहा है क्या का, कैसा दे दे बोल रहा है का, बना तू ए सुन रे काय के खुजली कर रहा, दिमाग खराब कर रहे हो वहाँ मेरी। ओह नो कुछ तो बोल लो, कम से कम भगवान ने बोलने के लिए मुंह दिया है तो। हाँ देख वो डब्बे में। ओह नो मार दूं सही में? अरे मार नहीं जी उपास हूँ ना, आज मार भी तो नहीं सकती, मार भी तो नहीं सकती। हूँ कर रहे, फटने जाओ ना रे उधर काम धंधा करो रे। तो वो क्या बोल रहा, खिचड़ी बना साबुदाने की, ऐसा बोल रहा है तेरे को खाने का दिख रहा है कि मैं अभी जाके भात बना रही हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो तुम रे। नहाने नहाने तो जाना तो नहाना, तुम बोलो ना कुछ जी। अरे बोलना ना देवी आ गई लगता है। जा रे तू दिमाग खराब मत करो, तुम बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो तो। अरे बोलना है, गिर गया क्या मैं?
और मैं समझ गया तू आज पक्का मौन धारण किया है। काय का मौन धारण कर लिए तुमने? अभी के अभी अभी बोले यार, पूरा दिमाग खिसिया के रख दिया। अगर देवी वे भी आई ना बाना पकड़ूं, सात सर दूंगी सब लोगों को। हाँ। ओह नो, मेरे पास भी त्रिशूल है। अच्छा है? त्रिशूल है तो ये है तो वो है, पूरा दिमाग खराब करके रख दियो। बांगा पैदा होगा है ये घर में। हाँ, तीनों के तीनों। तेरी इतनी सुना रहा है तेरे को, देख रहे हाँ। बात का आएगा भैया? अरे मेरे फ्यूचर से पैसे कितने निकाला?